हेलो माय व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही आसान वर्कआउट लाई हूँ और यह वर्कआउट आपके जो पैरों की झंझनाहट है, आपके पैरों में जो बेचैनी रहती है, जो झंझनाहट रहती है, आज जो मैं कसरत करूँगी, एक तो बहुत ही आसान कसरत है और सबसे बड़ी बात ये खड़े होकर आराम से करने की है, तो ये झंझनाहट को पैरों की जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। इससे पहले मैं आपको बता दूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ शिवांगी सिंह और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ठीक है, आज जो मैं वर्कआउट कर रही हूँ उसमें क्या करना है आपको, जो आपके पैरों में बेचैनी होती है, अगर आप लेटे हैं, बैठे हैं कहीं भी और आपके पैरों में बेचैनी, आप पैरों को पटक रहे हैं इस तरीके से, मतलब छोड़ रहे हैं, मतलब बैठ नहीं पा रहे, आपको चैन नहीं पड़ रहा, आपको नींद नहीं है, आपके पैरों जो सो जाते हैं, पैर सुनने पड़ जाते हैं, तो वो किस वजह से होता है? जब हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, हम कोई वर्क नहीं करते हैं लेग्स का, तो उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, जब हमारी मांसपेशियों में, जब हमारी मांसपेशियाँ सही से वर्क नहीं करती हैं, तो ये जो सारी बेचैनी है, जो झंझनाहट है, सुन्न हो जाना पैर का, ये उस वजह से होता है। तो आज जो मैं एक्सरसाइज करूँगी, आप इन एक्सरसाइज को ज़रूर ट्राई करें। इससे क्या होगा, आपके पैरों की झंझनाहट भी ख़त्म हो जाएगी और जो आपके पैरों में बेचैनी रहती है वो भी पूरी तरीके से चली जाएगी। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ जो मैं वर्कआउट आज कर रही हूँ उसके लिए आपको क्या करना है। इस तरीके से आपको खड़े हो जाना है और आप चाहें तो किसी दीवार का सहारा ले लें, नहीं तो आप इसी तरीके से खड़े होकर कर लें, कुर्सी में, जिसके भी सहारे आप खड़े होकर करना चाहते हैं। तो इस तरीके से खड़े हो जाना है और अपने पैरों को इस तरीके से हिलाना है। आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे आराम से ऐसे हिला लेना। मैं यहाँ पर मैंने कोई किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया है, तो आप चाहें तो किसी भी सहारे की, जिसकी आपको ज़रूरत पड़े, आप उस सहारे से खड़े हो जाएं। फिर ऐसा ही हम अपने दूसरे पैर पर भी करेंगे। आप भी सेम इसी तरीके से करिए, ऐसा 20 से 25 बार एक पैर पर आप करिए। फिर धीरे धीरे इसकी टाइमिंग बढ़ा दीजिए, फिर आप 30 बार कीजिए आप इसको इस तरीके से पैर पे। अब हम करेंगे अपनी दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने पैरों को राउंड राउंड घुमाना है। चाहे तो आप किसी दीवार का सहारा ले लीजिए, मैं यहाँ पर बिना किसी सहारे के कर रही हूँ, तो आप किसी दीवार के सहारे से भी ये कर सकते हैं। पहले हमने अंदर की तरफ को घुमाया, इस तरीके से बाहर की तरफ को घुमाया, अब हम क्या करेंगे, इसी पैर को अंदर की तरफ को घुमाएंगे। ऐसा भी हम इसे 20 से 25 बार करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पैरों की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो चारों तरफ के पैरों की मांसपेशियाँ पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं और हमारे पैर में जो ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, जो हमारे पैरों की मांसपेशियाँ हैं वो पूरी तरीके से वर्क करती है, हमारे पैरों में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और क्या होता है, इससे जो पैर जो सुन्न पड़ जाते हैं वो भी सुन्न पड़ना बंद हो जाते हैं। तो अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाऊंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने पैरों को उठाना है। आप आराम आराम से तरीके से इस तरीके से अपने पैरों को उठाते रहें, कुछ नहीं है, बस ऐसे खड़े होकर इस तरीके से अपने पैरों को करते रहें। कोई आपको इस तरीके से रोकना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से खड़े हो जाए, फिर ऐसे बस ऐसे ही आपको इसे भी 20 से ऐसे 25 बार ऐसे करते रहें। इससे क्या होगा, जो आपका जो सुन्न पड़ जाते पैर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा इसका, और झंझनाहट चली जाएगी, पैरों की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी और ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, मांसपेशियां भी मजबूत हो जाएंगी और पैरों की जकड़न भी दूर हो जाएगी इससे। तो बस आप इस तरीके से इसे करते रहें, आराम से करते रहें। अब मैं करूँगी अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, जैसे आप सो रहे हैं रात में और या कहीं भी आप बेड पे लेटे हुए हैं, कहीं बैठे एकदम से आपका पैर इस तरीके से झटक जाता है, तो उससे क्या होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, ब्लॉकेज होते हैं, हमारी मांसपेशियाँ सही से काम नहीं करती, पैरों में जकड़न हो जाती है मांसपेशियों में, तो ये क्या करेगा, उसको खोलने का काम करेगा। तो जो आपकी जो झटक जाता है, पैर सुन्न पड़ जाता है या बेचैनी होती है आपके पैर में, इन सबको दूर करेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस इस तरीके से अपने पैरों को करना है, इस तरीके से अपने पैरों को छोड़िए। इससे क्या होगा, आपके घुटने भी स्ट्रांग होंगे, आपके घुटनों का भी दर्द जाएगा और पूरे पैरों के अच्छे तरीके से पूरे पैरों की मांसपेशियां काम करेंगी, ब्लड फ्लो भी काम करेगा। तो बस आपको इस तरीके से अपने पैरों को झटकना है, आराम से ऐसे खड़े होकर कहीं भी करते रहें आप, जब आपको टाइम मिले आप तब कर लें। बस इसे भी आपको ऐसे 20 से 25 बार करना है। तो
आज मैंने जो आपको सारी एक्सरसाइज को बताई है, ये सारी एक्सरसाइज आप रोज़ करें, जो आपके पैरों का झंझनाहटपन है, जो पैर आपके सुन्न पड़ जाते हैं, जो पैरों की जकड़न है, अगर आपके पैरों में दर्द है, आपको सोने में परेशानी होती है पैरों की वजह से, बेचैनी होती है, तो ये सारी एक्सरसाइज आप जो करेंगे, आप इन एक्सरसाइजों को रोज़ करें, रेगुलर करें, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके पैरों की मांसपेशियाँ भी इन करने से मजबूत होंगी और आपके जो पैरों में दर्द है वो भी पूरी तरीके से चला जाएगा। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।